Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about another figure of speech, that is prolapses. So let's start. Practice of placing information about the ending of a story near the beginning. कि मतलब कि कोई writer जो होता है, अगर वो इस figure of speech के हिसाब से work लिखता है, यानी prolapses के हिसाब से work लिखता है, तो वो जो है, वो writer beginning में ही एंडिंग बता देता है. मतलब एंडिंग में क्या होगा वो बिगनिंग में ही बता देता है, उस चीज़ को बोला जाता है प्रोलैप्सिस. देन प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी नियर द बिगनिंग इज कॉल्ड एज, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज प्रोलैप्सिस. राइटर टेल्स इन द बिगनिंग वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द एंड. कि मतलब राइटर जो है बिगनिंग में ही बता देता है कि एंड में क्या होगा, सो उसे प्रोलैप्सिस बोला जाता है. देन जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि मतलब ये जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले हैमलेट है, उसमें होरेशियो नाम का करेक्टर वो पहले से ही बिगनिंग में बता देता है आई एम डेड, कि मैं एंड में मर जाऊंगा. देन आपने अगर टॉम स्टूपर्ड का प्ले पढ़ा है, रोजनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड, ये प्ले है टॉम स्टूपर्ड द्वारा लिखा गया. सो जिसमें द राइटर इन द बिगनिंग मैंशन वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द एंड, कि इसमें टॉम स्टूपर्ड इस प्ले के अंदर रोजनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न के अंदर ये पहले से ही बता देता है राइटर की बिगनिंग में ही बता देता है कि एंड में क्या होगा. देन आपने अगर चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरल अगर पढ़ी है, तो उसमें एबेंजर स्क्रूज जो करेक्टर है, ही इज़ शोन ही इज़ गोइंग टू डाई नो बडी मून, कि मतलब क्रिसमस कैरल जो नॉवल है चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई, एबेंजर स्क्रूज उसमें एक करेक्टर है जो कि अपने आप के बारे में पहले ही बता देता है, ये करेक्टर अपने बारे में पहले ही बता देता है कि ये जो है एंड में मर जाएगा और कोई इसके लिए नहीं रोएगा. सो मैं फिर से बताऊंगी कि प्रोलैप्सिस क्या होते हैं. मतलब जिस कोई ऐसा वर्क जिसमें राइटर जो है एंडिंग पहले से ही बता देता है, यानी बिगनिंग में ही बता देता है, उसे प्रोलैप्सिस बोला जाता है. एंड ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हैमलेट में होरेशियो करेक्टर हो गया, रोजनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न एक प्ले है जो कि टॉम स्टूपर द्वारा लिखा गया है, इसमें भी टॉम स्टूपर जो है मतलब बिगनिंग में ही मैंशन कर देता है कि एंड में क्या होगा. एंड चार्ल्स डिकेंस जो है क्रिसमस कैरल में एक करेक्टर है एबेंजर स्क्रूज, सो ये भी बता देता है कि ये जो है एंड में मर जाएगा एंड इसके मरने के बाद कोई इसके लिए नहीं रोएगा. सो ये एग्जांपल है. एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग.